एवरीवन एंड यू वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा मन कर रहा था ना कुछ बिल्कुल रिलैक्सिंग कंफर्टिंग सी रेसिपी शेयर करने का, एंड जब मैंने अपने वीडियो लिस्ट को स्क्रॉल किया तो मैंने देखा मैंने एक भी मैगी की रेसिपी नहीं डाली हुई है। सो मैंने सोचा क्यों नहीं आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वेज मैगी की रेसिपी शेयर करूँ। अभी मैगी का सबका अपना अपना अलग वर्जन रहता है, सो मैगी विल नेवर बी द सेम, आई नो, बट ये मेरा वर्जन है मैगी बनाने का। और मुझे पसंद है विंटर्स में मैगी बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ। तो बस इसके लिए करना कुछ नहीं है, एक पैन लेना है, उसमें डालना है ऑयल, और उसमें हम डाल देंगे थोड़े से चॉप्ड अनियन, थोड़े से चॉप्ड ग्रीन चिलीज, फ्रेंच बीन्स और कैरेट, और इन सबको डाल करके सॉटे कर लेना है। फिर हम ऐड कर देंगे, ये मेरे पास हैं फ्रोज़न पीस, इसको भी डाल करके हमें मिक्स कर लेना है और इसको कुक कर लेना है अराउंड 1 से 2 मिनट के लिए। नेक्स्ट इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट और साथ में जाएंगे थोड़े से स्पाइसेस, तो उसमें है रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और बस इसको वापस से हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। और ये जो वेजिटेबल्स हैं ना, मैं इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करती हूँ, इसको बस मैं इतना कुक करती हूँ जितना कि 60-70% कुक हो जाए, बस इतना ही हमें इसे कुक करना है, क्योंकि क्रंच बहुत अच्छा लगता है जब इसका आता है मैगी के साथ। अब यहाँ पर ये अच्छे से कुक हो गई हैं तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। अब आप सोचेंगे इसको मैंने लास्ट में क्यों ऐड किया है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शिमला मिर्च अगर ओवर कुक हो जाती है ना तो इसका टेस्ट बहुत ही गंदा सा अजीब सा आता है, तो इसका क्रंच बना रहे इसलिए मैंने इसको बाद में ऐड किया है। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे हम 2 कप जितना पानी, और जो हमारा नॉर्मल चाय वाला कप होता है ना, टी कप, बस उसी से मैंने 2 कप जितना पानी ऐड किया है। और इसमें साथ में डाल देंगे 2 साशे मैगी मसाला के, क्योंकि मैं 2 मैगी बना रही हूँ, और इसमें हम डाल देंगे मैगी। इस मैगी को मैं बहुत ज़्यादा तोड़ती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लंबे लंबे इसके स्ट्रिंग्स पसंद हैं, एंड इसको हमें ढक करके मीडियम फ्लेम पर रखना है, और तब तक रखना है जब तक कि इसका पानी पूरा मतलब ऑलमोस्ट 70% एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए ये ऑलमोस्ट इसका पानी 70-80% एब्जॉर्ब हो गया इसमें, और ये जो मैगी बनेगी ना थोड़ी सी ड्राई मैगी बनेगी। अगर आपको हल्की सी सूपी मैगी पसंद है तो आप इसमें 1/2 कप पानी और ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है, अभी से खिली खिली सी मैगी बनती है ये वाली, अगर आप इस प्रोपोर्शन से पानी ऐड करेंगे तो। और बहुत से लोग इसमें और भी बहुत सारे मसाले ऐड करते हैं, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, बट ये सिंपल भी बहुत अच्छी लगती है। जिसकी स्टीम आ रही है ना खुशबू, मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी लग रही है। सो यहाँ पर मेरी मैगी बन करके रेडी है, और आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। एंड अगर आप लोगों के पास भी कुछ बहुत अच्छी सी मैगी की रेसिपीज़ होना तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिएगा, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई दोज रेसिपीज़ इन माय वीडियो एंड टैग योर नेम एज वेल। सो इसको ट्राई करना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड बाय बाय फ्रॉम मी।